3 नवंबर को प्रदेश की 28 सीटों के विधानसभा चुनावों में से एक सीट देवास जिले के हाट पिपलिया तहसील की भी है, जहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब भाजपा के प्रत्याशी मनोज चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल से होगा। हाट पिपलिया के संदर्भ में कहे तो राजवीर सिंह बघेल को पिता राजेंद्र सिंह बघेल के पावरफुल वोट बैंक के साथ कांग्रेस के परंपरागत वोटों का भरोसा तो है ही, साथ ही मनोज चौधरी द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हाथ थामने से नाराज वोटरों का भी भरोसा है। इधर भाजपा में मनोज चौधरी की राह रोकने को भाजपा के ही वे कई नेता बाहें चढ़ाए खड़े नजर आ रहे हैं, जो हाट पिपलिया क्षेत्र में लंबे समय से अपनी दावेदारी मानकर अपनी जमीन मजबूत करने में लगे थे। इनमें सबसे ऊपर पूर्व मंत्री दीपक जोशी का नाम है। पूर्व विधायक तेज सिंह सेंधव, राय सिंह सेंधव, बहादुर मुकाती, नरेंद्र सिंह राजपूत वो नाम है जो कहीं ना कहीं मनोज चौधरी को टिकट दिए जाने से नाराज बताए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके तेज सिंह सेंधव के पास दीपक जोशी भी भाजपा की जीत को आसान नहीं होने देंगे। सूत्रों के अनुसार आज दीपक जोशी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल रवाना हुए हैं। ताकि प्रदेश में भाजपा सरकार है और भाजपा को सरकार बचाने के लिए कुल 9 सीटों की जरूरत है। मालवा क्षेत्र की सीटें जिताने की जिम्मेदारी भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और हाट पिपलिया देवास की लोकप्रिय विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार के कंधों पर है, और बदली स्थितियों में भाजपा के प्रतिबद्ध वोट बैंक के भरोसे भाजपा हाट पिपलिया में जीत को लेकर निश्चिंत तो है, मगर फिर भी मनोज चौधरी की राह उतनी आसान नजर नहीं आती है जितनी समझी जा रही है।